मंत्री ने किया अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण बहराइच। पूर्व मंत्री ने जरवल के धनराजपुर में बने अन्नपूर्णा भवन का फीता काट कर व दीप प्रज्वलित कर नवंबर निर्मित भवन का लोकार्पण कर भवन पर लगे शिलापट का अनावरण किया। पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने जरवल ब्लॉक के धनराजपुर ग्राम पंचायत में बने अन्नपूर्णा भवन का फीता काट कर व दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण तथा अन्नपूर्णा भवन में लगे शिलापट का अनावरण किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। पहले गांव में झोपड़ियां दिखती थी, अब उसकी जगह पक्के मकान ने ले ली है। सरकार गांव के विकास के लिए काम कर रही है। महिलाओं, अनुसूचित जाति और गरीबों के उत्थान के लिए हमारी सरकार लगातार योजनाएं चलाकर उनका कल्याण कर रही है। कोटे की दुकान की चर्चा करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि एक समय था जब नमक और कपड़ा कोटे की दुकान पर मिलता था। अब सरकार गांव के अन्नपूर्णा भवन ग्रामीणों को सभी तरह की सुविधा देने का संकल्प व्यक्त कर रही है। हमारा गांव जब आगे बढ़ेगा तभी हमारे देश का विकास होगा। हमारी सरकार सेवा भाव के साथ काम कर रही है। विधानसभा संयोजक गौरव वर्मा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीबों के विकास और उत्थान के लिए काम कर रही है। आज देश के 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में राशन दे रही है। गांवों में अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कराया जा रहा है। गरीबों को कम राशन न मिले इसके लिए ई पास मशीन को इलेक्ट्रॉनिक कांटे से लिंक किया जा रहा है, जिस पर अंगूठा लगाने के बाद जब तक कार्ड धारक को पूरा राशन नहीं दिया जाएगा, मशीन वितरण प्रक्रिया पूर्ण नहीं करेगी। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह, खंड विकास अधिकारी अमन वर्मा, पूर्ति निरीक्षक दिवाकर सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन वर्मा, प्रदीप जायसवाल, ग्राम प्रधान आनंद देव वर्मा, प्रतिनिधि कमल कुमार वर्मा, कौशल सिंह, पंचायत सचिव राजेश्वर प्रताप यादव, अरुण वर्मा समेत उपस्थित रही जनरल एक्सप्रेस बहराइच। हम सबके बीच आर एस शैलेश दत्त जी हैं, हम उनसे आग्रह कर स्वागत कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीर जी हैं, आपसे आग्रह है कि हमारे बीच में हैं, और उनसे आग्रह है कि हम आज तक आए भैया कमल वर्मा जी से। जो भी और अब आप देख रहे हैं कमल वर्मा जी जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, वीडियो साथ में गुलदस्ता लेकर स्वागत कर रहे हैं। देख रहे हैं कोटेदार के द्वारा हमारी सरकार की सोच है भारत दुनिया में नंबर एक बने जी। विकसित भारत की कल्पना हम 2047 तक विकसित भारत हो जाए, और ऐसा भारत विकसित हो कि दुनिया मानने लगे। दुनिया मानती है कि भारत का बहुत शक्तिशाली हो गया, संपन्न हो गया, और लेकिन नंबर एक नहीं मानते जी, गुरु नहीं मानते जी। नंबर एक और गुरु बनने के लिए भी थोड़ी और मेहनत करनी जी, और वो मेहनत 2047 कोई बड़ी लंबी दूरी नहीं है। व्यक्ति के लिए तो लंबी हो सकती है, लेकिन देश के लिए दूरी बहुत लंबी नहीं है। वहाँ तक जाने के लिए सरकार ने सोच के रखा है कि वो तभी संभव है जब प्रत्येक गांव अपने में सब कुछ हो। गांव का सचिवालय, गांव का अन्नपूर्णा योजना, गांव में औषधि के लिए केंद्र, गांव को कहीं भागना ना पड़े। गांव अपने में कहे हम एब्सोल्यूट सब कुछ हमारे पास है। क्या स्थिति जिस दिन बनेगी, उस दिन दुनिया के लोग आएंगे भारत देखने के लिए, तो दिल्ली नहीं देखेंगे, गांव देखेंगे, और जब गांव देखेंगे तो कहेंगे यह है भारत, दुनिया का नंबर एक। वहां तक ले जाना। सर एक चीज़ और कहेंगे, 400 पार पर कुछ कहेंगे आगे चुनाव तो सर नहीं। जी अवसर तो नहीं है सर, लेकिन फिर भी कुछ कहना चाहेंगे। अब निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारा लक्ष्य है गांव, गरीब, किसान, झोपड़ियों का इंसान, बेरोजगार, नौजवान, सबका उत्थान जी, इन सब के बल पर ही सरकारें बनती है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि हमारी जो NDA की सरकार है 400 पार करेगी, और निश्चित रूप से जान लीजिए कि वो एक संत है। जब कोई चीज़ तय करते हैं तो परमात्मा अपने आप मदद करने के लिए आ जाता है। भगवान इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, क्योंकि भगवान जहाँ ईमान है वहाँ भगवान है, उनके साथ ईमान है इसलिए भगवान साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले।